एक मख्फी खूबी यानी एक छुपी हुई खूबी। तीन अफराद पैगंबर अकरम को कत्ल करने का कसद रखते थे। पैगंबर अकरम ने फरमाया, जानम अली, ये लोग रास्ते में हैं, जाके उन्हें वहीं रोक दो। दो अफराद मुकावेमत करेंगे, उन्हें मार देना, मगर एक शख्स फलां शक्ल और सूरत का हामिल होगा, उसे छोड़ देना, वो मरना नहीं चाहिए, उसे गिरफ्तार कर लेना। अमीरुल मोमिनीन रसूल अकरम की हिदायत पर अमल करते हुए दो अफराद को हलाक कर डाला और मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वो शख्स बहुत मुश्तइल हुआ और शोर मचाने लगा कि मुझे भी मार डालें ताकि मैं अपने साथियों से मुलहक हो जाऊं। इमाम ने उसे महफूज रखते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हें इस पैगंबर के पास ले जा रहा हूं जिसे कत्ल करने आए थे। पैगंबर अकरम की खिदमत में इस शख्स को पेश किया गया, वो मुसलसल इश्ताल अंगेज गुफ्तगू कर रहा था। इरशाद फरमाया, मेरे खुदा का हुक्म है कि तुम्हें ना मारा जाए। इसने पूछा, क्यों? तुम्हारे अंदर एक ऐसी खूबी है जिसे तुम छुपाते हो। उसने पूछा, वो क्या है? रसूल अकरम ने फरमाया, तुम फुकरा और यतीमों की इमदाद करते हो और इस अमल को जाहिर भी नहीं होने देते, तुम सखावत रखते हो, ये है तुम्हारी खूबी। उसने कहा, क्या वाकई तुम्हारे रब को ये खूबियां पसंद हैं? फिर ये शख्स ईमान ले आया। अपनी किसी खूबी को मख्फी रखें, मख्फी रखें, मख्फी रखें। एक मख्फी खूबी, एक खूबी ये पिनहा, एक छुपी हुई खूबी। लाजमी खुद को किसी ऐसे अमल का पाबंद बने जिसके बारे में किसी को खबर ना हो। कहीं मजलिस बरपा हो रही हो, न्याज दी जाए, खुफिया तौर पर इनको कोई चीज़ फराहम कर दें। मसलन आप जानते हैं कि इन्हें चावल की ज़रूरत होगी, उनसे इस अंदाज में दरियाफ्त कर लें, चावल का नजराना देना चाहते हैं, क्या मैं आपके लिए ले आऊं? मस्बत जवाब मिलने पर खामोशी से जाकर चावल खरीदें और उनकी खिदमत में पेश कर दें। किसी को खबर ना हो, सिवाय ये सब खौफ का सबब बनते हैं। अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के, जानते हैं ये अमल किसके मिसल हैं? बैंकों में पैसों के इस जखीरे की मानद हैं, जहां पैसा और सोना महफूज करके रखा जाता है और इस जेवरात और पैसे के सरमाए में इजाफा होता रहता है। ये तमाम लोग जो शहीद होते हैं, उन्होंने अपने अंदर कोई खूबी छुपा रखी होती है जिसके बारे में सिवाय खुदा के किसी को इल्म नहीं। मुखलिसीन के गिरोह के अमाल नामे रोजे की आमद खोले जाते हैं तो फरिश्ते देखते हैं कि अमाल नामे बिल्कुल सफेद कोरे हैं। कहते हैं, या खुदा, कोई मसला हो गया है या अमाल दर्ज नहीं, अगर गुनाह करके तोबा की होती तो इंदराज तो होता। नेक अमाल थे या बुरे अमाल, कुछ तो छपा हुआ होना चाहिए था। 70 साल का आमाल नामा बिल्कुल खाली, कैसे हिसाब करेंगे? खुदा फरमाता है, तुम इस बारे में फिक्रमंद ना हो। ये खुदा क्या दोबारा प्रिंट करवा लें आमाल नामा? फरमाया, नहीं, इसके पीछे अलग किस्सा है। खुदाया, क्या माजरा है? फरमाया, ये वो लोग हैं जो खालिसतन मेरे लिए काम करना चाहते थे। फिर रफ्ता रफ्ता इनको एहसास हुआ कि ये मलाइका जो आमाल लिखते हैं हमारे मुजाहिम हैं। ये लोग कहते थे, खुदाया, हमें पसंद नहीं कि हमारे आमाल के शाहिद हों, हम चाहते हैं कि फकत तू शाहिद हो और तेरे सिवा कोई नहीं। आखिर ये कैसे लोग थे? खुदा ने फरमाया, इन्हें पसंद नहीं था कि हत्ता मलाइक भी इनके आमाल के शाहिद हों, इसलिए मैं इन फरिश्तों की बिनाई ले लेता था ताकि देख ना सकें। उन्होंने देखा ही नहीं, इसलिए तहरीर नहीं किया। फरिश्त ने सवाल किया, खुदा, आप किस बुनियाद पर इनका हिसाब किताब करेंगे? फरमाया, मैंने दुनिया में इनका मामला फरिश्तों के सुपुर्द नहीं किया तो अब कैसे इनका मामला तुम्हारे सुपुर्द कर दूं? इनका मामला मेरे साथ है, मैं खुद इनको ले जाऊंगा।
ये वो निज़ाम है जिसे खुद खुदा ने तराही की है इंसान की साख्त के लिए, इसके इखलास की परवरिश के लिए। लाजमी खुद को किसी ऐसे अमल का पाबंद बना जिसके बारे में सिवाय खुदा के किसी को इल्म ना हो। माखूज अज सिलसिला तकरीर, जब इंसान खुद को पिन्हा कर लेता है, यानी जब इंसान खुद को छुपा लेता है।